नमस्कार, स्वागत है आपका नेशन वन में। मैं हूं आपके साथ ऋषिभा। अखिलेश यादव के करीबी कहे जाने वाले उत्तर प्रदेश समाजवादी पार्टी के यूथ विंग के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष एबाद अहमद ने आज बिजनौर का दौरा किया। इस दौरान हमारे संवाददाता आदिल पाशा ने उनसे खास बातचीत की। सीधा ले चलते हैं आपको, क्या कुछ खास रहा जानेंगे। बहुत स्वागत है आपका नेशन वन। बहुत करीबी कहे जाते हैं अखिलेश यादव की, और सब देखा है आपको। कभी भी समाजवादी पार्टी का कोई प्रदर्शन हुआ है या कोई भी मौका ऐसा मिला है जनता के जाने का, तो आप आगे नजर आए। तो अखिलेश से इतना प्रेम क्या है, तब से समाजवादी पार्टी विचारधारा जिस तरह से आम इंसानों की मदद के लिए, गरीब मजलूमों के लिए मदद के लिए समाजवादी पार्टी हमेशा से लड़ाई लड़ती है, उससे प्रभावित होकर समाजवादी पार्टी के साथ छात्र राजनीति से ही मैं समाजवादी पार्टी के साथ आज पूरे प्रदेश उत्तर प्रदेश का अगर देखा जाए तो सब सहकारी समिति के चुनाव हुए हैं, और अखिलेश यादव ने आरोप भी लगाए हैं कुछ पूर्वी जिलों में के लोगों को पहले नामांकन नहीं किया करने दिया गया। आज चुनाव हुआ है चेयरमैन के, सभापति बने। आज भी कई कई से शिकायतें आ रही है कि लोगों को नामांकन नहीं करने दिया जा रहा है भारतीय जनता पार्टी। भारतीय जनता पार्टी ने लोकतंत्र की हत्या कर दी। लगातार आप उत्तर प्रदेश में देख रहे हैं जिस तरह से बिजली की समस्या को लेकर पूरे प्रदेश में लगभग बिजली कुल है, खासकर पूर्वांचल में, तो ये आम जनमानस परेशान है। ये सत्ता के दम पर, प्रशासन के दम पर कुर्सी हथियाना चाहते हैं, और गरीब मजदूर किसान जो सरकारी का चुनाव हो रहा उसमें जितना हो सकता था प्रशासन ने सुविधा की है, और शायद प्रशासन के लोग भूल रहे हैं कि वक्त बदलता है। तो क्या माना जाए, आने वाला जो चुनाव है, अभी भी लोकसभा चुनाव 2024 में चुनाव होने वाला है, उसके साथ बाद विधानसभा में बहुत लंबा है 2024 की तैयारी भी चल रही है। आज अधिवेशन भी है कोलकाता में, अधिवेशन चल रहा है पार्टी का, तो कैसे समाजवादी पार्टी अपनी बात गांव गांव मोहल्लों में आम जनमानस तक पहुंचा रही है। इस तरह से उत्तर प्रदेश सहित पूरे देश का आम जनमानस परेशान है, चाहे बिजली की समस्या हो, चाहे स्वास्थ्य की समस्या हो, चाहे एजुकेशन की समस्या हो, चाहे रोजगार की समस्या हो, लगातार बेरोजगारी बढ़ती चली जा रही है। और भारतीय जनता पार्टी प्रशासन के दम पर उत्पीड़न कर रहा है। आज जनमानस में बहुत ज्यादा आक्रोश है। मुझे पूरा यकीन है 2022 में भारतीय जनता पार्टी का सूबा साफ होगा। लगातार समाजवादी पार्टी पर आरोप लगाते हैं भारतीय जनता पार्टी के, कहते हैं कि गुंडेगिरी लोग करती थी वो समाजवादी पार्टी के लोग करते थे, समाजवादी सरकार करती थी। जब से भारतीय जनता पार्टी आई है तो जो सरकार आई है वो संगठनात्मक चोरी बढ़ी है, लगातार लूट हो रही, हत्याएं हो रही है, प्रशासन के द्वारा लूट हत्याएं हो रही है। भारतीय जनता पार्टी में आप अगर देखेंगे क्राइम की रफ्तार बहुत तेजी से बढ़ी है, आम जनमानस बहुत हताहत है, बहुत परेशान है। यूथ को अगर देखते हैं सभी पार्टी में यूथ रहते हैं, लेकिन जब चुनाव का वक्त आता है तो कहीं ना कहीं किनारे कर देते हैं। जो पार्टी में जो चुनाव के टाइम उनकी जो भागीदारी होनी चाहिए उसको अभी भी पार्टी के द्वारा नकारा जाता है, यूथ को डायरेक्ट। लेकिन समाजवादी पार्टी ने हमेशा यूथ के लिए, अगर आपको याद हो या आपने क्लिप देखी हो, तो मुलायम सिंह यादव जी ने कई मौके पर कहा कि मुझे खुशी है कि हमारा पार्टी हमेशा नौजवान रही। नेताजी ने कम उम्र में ही माननीय श्री अखिलेश यादव जी को मुख्यमंत्री बनाया, और तमाम यूथ के लोगों को समायोजन हुआ, चाहे वो सरकार में हो चाहे संगठन में हो, समाजवादी पार्टी ने हमेशा से भागीदारी दी है। क्या लगता है 2024 का जो चुनाव है भारतीय जनता पार्टी का, जो यहाँ MP है, जो सांसद, क्या उनका सुपर साफ नजर आएगा 2024? पूरा मुझे यकीन है जिस तरह से आम जनमानस में, आम जनता में
आक्रोश है और लोग परेशान है बिजली को लेकर, किसान परेशान है फसलों को लेकर, जिस तरह से जानवर छीन पहुंचा रहे हैं। आज अगर सरकारी अस्पतालों में चले जाइए वहां दवाएं नहीं है, डॉक्टर नहीं है, और इसी तरह से तमाम चीजें हैं, किसानों को खाद नहीं मुहैया हो पा रही है, बिजली के रेट बढ़ते चले जा रहे हैं और बिजली नदारद है, आम जनमानस परेशान है, नौजवान रोजगार के लिए भटक रहा है, उत्तर प्रदेश के नौजवानों को दूसरे राज्यों में और दूसरे देशों में जाना पड़ रहा है रोजगार की तलाश करने के लिए, तो तमाम लोग परेशान है। मुझे पूरा यकीन है भारतीय जनता पार्टी का इन मुद्दों को लेकर क्या मुद्दे होंगे जो 2024 जन-जन तक पहुंचेंगे समाजवादी पार्टी, किन मुद्दों को लेकर के चुनाव में उतरेंगे? आम जनमानस का जिस तरह से उत्पीड़न हो रहा है, मुसलमानों का जिस तरह से उत्पीड़न हो रहा है, एससी भाइयों का जिस तरह से उत्पीड़न हो रहा है, बैकवर्ड समाज का जिस तरह से उत्पीड़न हो रहा है, नौजवानों से जिस तरह से रोजगार छीना जा रहा है, रोजगार की समस्या दूर नहीं हो पा रही है, किसानों के मुद्दे को लेकर, बिजली के मुद्दे को लेकर, स्वास्थ्य के मुद्दे को लेकर, मैं अगर मुख्तसर शब्दों में कहूँ कि आम जनमानस का कोई मुद्दा ऐसा नहीं है, कोई काम ऐसा नहीं है जिससे कि आम जनमानस को कोई फायदा हो, तमाम मुद्दों को लेकर समाजवादी पार्टी चुनाव आगामी एक दो महीने बाद पार्टी की तैयारी हमेशा चलती रहती है, बहुत अध्यक्षों पर हमारे बूथ का गठन हो रहा है, हमारे कार्यकर्ता तैयार है चुनाव में जाने के लिए। भारतीय जनता पार्टी जानबूझ कर चुनाव डिले कर रही है क्योंकि जो जानती है जमीनी हकीकत क्या है, हाथ पैरों पूरे हुए हैं चुनाव में जाने से। चलिए बहुत शुक्रिया। ऋषि अग्रवाल हमारे साथ बात कर रहे थे, उत्तराखंड प्रदेश समाजवादी पार्टी के यूथ के पूर्व अध्यक्ष एवाद अहमद, जो मुलायम सिंह यादव और अखिलेश यादव बहुत करीबी माने जाते हैं, उन्होंने साफ बताया है भाजपा की जो सरकार है भ्रष्टाचार की सलीम सरकार है और जो मुद्दे हैं जो जनता के मुद्दे हैं वो बाहर नहीं आ पा रहे हैं। उनका साफ कहना है आने वाले चुनाव होगा 2024 का लोकसभा चुनाव समाजवादी पार्टी पूरे दमखम से चुनाव लड़ेगी और सभी सीटें जीतेगी। साथ ही निकाय चुनाव के बारे में उन्होंने बताया, बूथ लेवल पर काम कर रहे हैं और जो भी चुनाव होने वाले हैं समाजवादी पार्टी अपनी जीत का परचम लहराएगा। फिलहाल के लिए इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए नेशन वन।